दोस्तों ये कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी रात के 2 बज रहे थे, जोरों की बारिश हो रही थी, घना अंधेरा था, बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वो सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपए लूंगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपए में ले चलूंगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपए रखो, बाकी वहां पहुंच कर दूंगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वो गंतव्य तक पहुंचा। एक माकन के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैं साहब थोड़ी देर पहले आई है, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, बोला, यहाँ तो कोई मैं साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए, देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वो चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया।